मुख मेहमान जी झंडा चढ़ाउन दी रस्म करदे होए डॉक्टर आरपीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वालों इंद्रवीर अते नवनीत अपनी टुकड़ी नु लीड करदे होए साडे बहुत सत्कारयोग एसवी कॉलेज की सारी मैनेजमेंट कमेटी जगेंद्र अंकल शर्मा जी जिन्हें भी उन्होंने साथी ने प्रिंसीपल साहबान सारे टीचर साहबान जिन्हें साडे प्यारे बच्चे जिन्होंने इतने परफॉर्म किया भी जिन्होंने करना भी जिन्होंने सारिया ने सलामी दी मार्च कटिया मैं सारिया जटवीं सलाना सिलेक्ट कमेट करवाई गई है मैं वो मुबारकबाद भी दिना मैं माफ़ी भी मांगता क्योंकि लंबा समा साडे जिहड़े बच्चे है उन्होंने धुप के खड़ना पे वैसे उम्र इदा की है जो कोई एथलैटिक मीट कोई इदा का प्रोग्राम हो मैं तो जो स्कूले पढ़ता सीता कॉलेज चलो धुप तो लगती नहीं सी पर अजक हो सकता है क्योंकि कई उदों भी हम बच्चे धुप्पे बैठे से हर क्लास पांच चार जवाक इदा के होंगे जिन्होंने स्किन का ज़्यादा फिक्र होंगे भी कि काली ना हो जाए सानू तो वो घट हों पर साढ़े नाल भी कई होंगे सो जिन्होंने भी पर थोड़ी उम्र है जो हम नहीं धुप्पे बैठोगे संघर्ष करोगे तो फिर जिंदगी कदों करोगे सो मैं सारे मेरे प्यारे बच्चों का धन्यवाद करता कि मैं सारी मैनेजमेंट का धन्यवाद करना क्योंकि ये जिहड़ियां यादां ने तुसीं मेरियां ताज़ा करवाईयां ने जिहड़े ग्राउंड ते अज्जे बच्चे भज रहे हैं इत्थे खेड रहे हैं इसे ग्राउंड ते मैं भी कदे भजदा रहा खेडदा रहा अगे भी मैं एक बार जिक्र कीता बड़ी इत्थे मैं फुटबॉल खेडी है पिछे घर आ कई बार इत्थे फुटबॉल चली जाती एक बार तो दे दिंदे मुड़ के कई बार गल भी कह जाते फिर कहते भी तू लेके आ तू लेके आ सो बड़िया यादा जुड़िया प्लस टू के पेपर भी वैसे स्कूल च देते है इतों का स्टूडेंट रहे सो मैं बड़ी खुशी है शर्मा जी ने भी जिक्र किया कि बड़े लंबे समय बाद बरनाले को बजारत मिली सो मैं तो धन्यवाद ही हाँ सारे बरनाले के लोगों का कि मैं इतों के लोगों का जिन्ना तुम मैं प्यार सत्कार दिता मैं कदे देना जो दे नहीं सकता अंकल ने कहा कि असी बेआस सी जिहड़े कई वडेरी उम्र के लोग है भी क्योंकि हुण जिहड़ा बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि साडी जिहड़ी बरनाले की धरती है इनकलाबियां दी इत्थों स्टूडेंट एजुकेशन है कि साडे बरनाले जिहड़े उदों दे नौजवान अंकल करते रहे मुजारा लारा तो इत्थों तो जिहड़ियां पंजाब दे एजुकेशनां भी होंदियां रहियां ने इत्थों के लोग भी बेआस हो गए सी कि जी हुण बदलाव नहीं आ सकता पर इन्हां आसा से जरा बूर पाए अंकल जी जे बच्चे दौड़ते हैं ना नौजवान साथी इन्होंने पाए मैं लगता कि 100% बूर भावे एस डी कॉलेज है भावे होर है सारिया ने मैं लगता बदलाव ही जी नवी जी सरकार बनी है उन्हें पाई है पर नौजवान साथी जिन्ना वड्डा मैंडेट होंगे जिनी वड्डी लीड होंगी है उम्मीदा भी लोगों दिनिया ज़्यादा होंगे तो सरकार पर प्रैशर भी उन्ना ज़्यादा होंगे तुम सू बदलाव वोट पाई है कि ईमानदारी आऊगी सिस्टम सुधार होगा मैं अगर पहला भी स्टेजा तो कहता रहा अज मैं दोबारा कहना होर किसी असी अपने वालों 100% परफॉर्म करने की कोशिश करा कि थोड़िया उम्मीदा के खरे उतर सकिए काम च उम्मीद इक्की हो सकती है पर मेरा यह वादा है कि कदे बेईमानी का एक रुपया साढ़े के घरे उलझे हो जे कदे हो गया वह सरकार का आदमी और हिस्सा नहीं रहेगा यही उम्मीदा ना तुम साडा साथ दिता तो उम्मीदा के खरे उतर की कोशिश करा बाकी मैं चलो पार्टी ने कैबिनेट के लिया मैं वही खुशी इस गल की है क्योंकि पार्टी लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन तो हेल्थ असी इस चीज़ का प्रचार भी बहुत किया तो जिते साड़ी पहला सरकार है उसे असी काम भी बहुत किया अच्छे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर की
पूरी दुनिया तारीफ करती है मनीष सिसोदिया जी की, तो उन्होंने बहुत अच्छा जिहड़ा उत्थे काम किया परफॉर्म करके दिखाया। मैनू खुशी है कि थोड़े इस बरनाले के पुत्र की पार्टी ने हाईकमान ने भगवंत सिंह मान जी ने केजरीवाल ने जेड़े च सब तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो सब तो चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है पूरी जिम्मेवारी मेरे ते है, क्योंकि उन्होंने तो विश्वास होना कि यह परफॉर्म कर सकता। सो मैं इमानदारी चाहे स्कूल एजुकेशन है, चाहे उचेरी सिक्ख्या है, चाहे स्पोर्ट्स है, मैं सारे इमानदारी अपना 100% जरा एफर्ट देगा। कल भी मैं मान लो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी गया, सीबीसी साहब के नाल जरा होर एचओडी का सारे मीटिंग की, असं उन्होंने दिन मुश्किल पूछी। नहीं आम तौर पर इदा होंगे भी मुख्यमंत्री साहब यूनिवर्सिटी जदा के किसी मतलब के वे इदारे उदों जाते जो ज्यादा चोणा हो या फिर कदम कोई होर बहुत वाला प्रोग्राम हो गए। पहले देखो कि 12 दिनों के उन्होंने यूनिवर्सिटी जाके उतों दिन समस्या पूछिया, कोई नेड़े इलैक्शन इस करके पूछिए क्योंकि अभी हल करना चाहते हैं। इस तो पहला भी पहले हफ्ते ही नौकरियों का ऐलान, पहले हफ्ते ही कच्चे बारे पक्के करने का ऐलान इस करके है क्योंकि असी इमानदारी कलिया वोटा करके नहीं, जो पंजाब के खजाने चाहे जो पंजाब को है वो पंजाब के लोगों देना चाहते हैं। मेरा थोड़े ना वादा है चाहे पंजाब के खजाने 100 हो गए चाहे 100 करोड़ इतने पहला मंग नहीं होगा, एक एक रुपया जो लोग लैके आने सू समा लगेगा, थोड़ा खजाने भरन के लिए खजाने की आमदन है जी बधाने के लिए साढ़े तो विश्वास रखियो, तो बाद भी कदम बेईमानी नहीं होगी, खजाना भी भरा थोड़ा समा लगेगा, तो खजाने का जोड़ा एक एक पैसा जोड़ा पंजाब के लोगों से बनाएंगे, तो जी भी नीति बनेगी असं पिंड भी कह रहे हैं कि पिंड ग्रांटा लोगों को पुछ के लगनगियाँ, उचेरी सिक्ख्या स्कूली सिक्ख्या स्पोर्ट्स की बाकी जोड़े दूसरे मंत्रियों को महकमे हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट काम करना। पर मेरा वादा कि कल फीडबैक सैक्रटरीएट के कमरे से बैठ के कल उच्च अधिकारियों को नहीं, असी ग्राउंड को फीडबैक लैके जोड़िया पॉलिसी की भी नीतियां जो बनाने। मैं कल भी बहादुर सिंह जी जोड़े एच ओ डी ने स्पोर्ट्स के मैं उन्हें दसिया, कल मैं उंजाबी यूनिवर्सिटी जोड़े खिलाड़ी है इंटरनेशनल जोड़े क्योंकि पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स है एशियन गेम्स उन्होंने तैयारी कर रहे हैं जोड़े एशियन गेम्स चो मैडलिस्ट ने, मैं कल उन्होंने मिले मीटिंग की, वो बेचारे बड़े कुछ हुए कहते जी बाकी तो बाद की गल है, सानू पहले तुम मंत्री हो जोड़े मिलने आए तो सूँ पूछना थोड़िया समस्या। मैं हैरान हो गया दसिया कि जोड़ा कैश अवार्ड है स्टेट का वो 40,000 रुपया वो 5-5, 6-6 साल मिलता ही नहीं, उस बच्चा खेल ही छड़ देता हरियाणा कितने पहुँच गया। आ हैपी साडा भरा साढ़े बरनाले जिले का मान, मेरे याद है असं उदों छोटे छोटे होंगे जो भाई मैडल लेके आए थे तो उदो सारे बरनाले पंजाब नू हिंदुस्तान नू मान से इन्हां ते, तो जो जो मैं लगता तुम खेडते जे 10 मैडल हिंदुस्तान के उस घर में 5 पंजाबियों के होंगे आते थे कि नहीं आते। हम हरियाणा भी भावें साढ़े भारत का हिस्सा पर हम हरियाणे के आता पर साढ़े पंजाब के नहीं आते क्योंकि ध्यान ही नहीं दिता गया। मैं उत्थे मुंडिया को पूछा उन्होंने इक्विपमेंट तक नहीं है जो इंटरनेशनल प्लेयर ने कितना वो कंप्लीट कर रहे कोई ध्यान ही नहीं दिता गया। सो मेरा जिन्हें इतने तुम खिलाड़ी हो ये वादा नवी नीति बनाई जाऊगी कॉमनवेल्थ चो ओलंपिक चो मैडल लैके आने वाले तो अभी सम्मानित कर देने पर वो मैडल तक पहुँचा कि नहीं है यही नीति है जी तैयार की जाएगी। तो वादा है दोबारा पंजाब में 5 साल के अंदर जोड़ा उफान का पहला सी हिंदुस्तान चो मोहरी खेडा के भी दोबारा पहले स्थान पर लैके आवे चाहे सू 16 घंटे काम करना तो 18 घंटे काम करना पैसा भी देवे पर करप्शन है जी चाहे स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन कोर्स खिडारियों का पैसा बच्चों का पैसा किसी को खान नहीं देना कितने भी जोड़ा लोगों का पैसा। सो तुम सारे सारी मैनेजमेंट सारे जिन्हें टीचर है बच्चे है
मेरी सारे बेनती है असी पंजाब साडा अपना बरनाला साडा अपना असी इनू देश चो बेहतर बनाना चाहते हैं ये थोड़ी सपोर्ट तो बिना नहीं बन सकता। आप सारे ने मीत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी कल कुछ नहीं कर सकते आप सारे ने 3 करोड़ पंजाबियों ने रल के ये सुपना जोड़ा ये साकार करना। सो मेरी कितने जरूरत हो मैनेजमेंट में कितने किसी बरनाले के बच्चे कितने जरूरत हो बरनाला वासी मीत हमेशा थोड़े भी हाजिर है पहला भी हाजिर से अच भी हाजिर हाँ तो पहला भी असं कहते रहे कि असं लोगों के लीडर का फर्क कटे तो अच भी उस गलतियाँ कि लोगों के लीडर का जो फर्क कटे कि हर कोई मेरे वालों हरेक बेनती है कोई मेरे का काम है कोई सुझाव है मैं हूँ भी हफ्ते च 2-3 दिन बरनाले होया करूँगा उस तो बिना किसी ने क्योंकि महकमे बहुत वड्डे सारे पंजाब घूमना पैना सैक्रटरी भी बैठना पैना तुम सैक्रटरी आओ जो बरनाले आना बरनाले मिलो हर एक जोड़े दरवाजे है वह खुले है और जोड़ा काम है जोड़ा सुझाव है वह पंजाब पक्की होगी और लोग पक्की होगी। सो सारे का सारी मैनेजमेंट का सारे टीचर साहबान का सारे प्रशासन का सारे जिन्हें साढ़े प्यारे बच्चे जोड़े साढ़े सूबे की साडे देश की प्रॉपर्टी है जिन्हों के खंभा के पंजाब ने अगे जाना मैं सारे का धन्यवाद करता खास तौर पर मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।